हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी मेरा एक हफ्ते पहले गोरिल्ला प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है और आज मैं जा रहा हूँ नई जिम, एनी टाइम फिटनेस जा रहा हूँ डेडलिफ्ट करने। तो डेडलिफ्ट का पीआर लेंगे वहाँ, देखते हैं कैसा आता है। और उसके बाद अगर प्लान बना तो स्क्वाट या बेंच भी कर लेंगे, पर मेन डेडलिफ्ट है आज। तो अभी तक का मेरा पीआर 155 का है, अब देखते हैं कितना आता है। तो लेट्स सी। तो गाइस, अब आ गए जिम में और अब ऊपर जाके देखते हैं क्या वार्म अप होते हैं। पूरी गैंग करेंगे हमारी, तो चार लोग हैं हम, सब डेड लिफ्ट करेंगे, देखते हैं किसकी कितनी लिफ्ट आती है। Have you forgotten what they said to us? What they did? They think you're a monster. Prove them right. Fight or be forgotten! तो गाइस, अभी हो गई डेडलिफ्ट, उसके बाद मैंने बेंच भी करी थी तो पीआर आ गया 160 किलो। डेडलिफ्ट हो गई, 5 किलो भी पीआर आया, कम आया, मैंने 170 सोचा था और 70 की बेंच आ गई। तो यही है, अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे दूसरा प्रोग्राम। वैसे मैं हफ्ते में 4 बार बेंच कर रहा हूँ, तो मैं 3 बार कर चुका हूँ इस हफ्ते में और मेरे को कल वापस करनी है, पर फिर भी मैंने पीआर ले लिया आज। तो हफ्ते में 5 टाइम हो गई बेंच, अब 2 हफ्ते और करूँगा बेंच 4 बार अब, और उसके बाद देखते हैं बेंच में और कितना रिजल्ट आता है, कितना पीआर आता है। तो गाइज, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मेरा बेंच और डेडलिफ्ट मिला के 10 किलो पीआर आ गया है। डेडलिफ्ट मैंने ज़्यादा सोची थी लेकिन 160 ही आई। अगली बार ट्राई करेंगे 170 के लिए। और मैं स्क्वाट अभी पीआर नहीं लूँगा क्योंकि अभी मैं हफ्ते में 4 बार बेंच कर रहा हूँ, 1 हफ्ता हो गया है और 2 हफ्ते और करूँगा। फिर उसके बाद मैं 3 हफ्ते के लिए 4 बार स्क्वाट करूँगा हर वीक, तो मैं तभी वापस से पीआर लूँगा डेडलिफ्ट और बेंच का और स्क्वाट का, क्योंकि अभी मेरे को स्क्वाट में ज़्यादा पावर फील नहीं हो रही। तो ये प्रोग्राम करने के बाद 3 हफ्ते, उसके बाद मैं वापस लूँगा SBD। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है।
लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।